हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बीट्स में, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। उसी के अंदर हमने जो सब्जेक्ट था डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे स्टार्ट किया था। जो उसका हमारे रिमिटेड कनेक्शन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। हम वैलिड कनेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे थे। अगर आपने अभी तक जो हमारी वीडियोज है रिमिटेड कनेक्शन है आपने अभी तक नहीं देखा, तो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड कनेक्शन की हम यहाँ पे आज बात करेंगे। आज देखो, जो हमने लास्ट लास्ट किया था तो उसमें क्या था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी क्वेश्चन के अंदर, आपका क्वेश्चन सही था लेकिन इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला था एस इक्वल टू एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव इंटू टी इंटू एफ एस। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे एफ एस की जगह आपका एफ टी टाइप हो गया था। ठीक है, लास्ट टाइम जो था यहाँ पे आपका एफ टी लिखा हुआ था, क्वेश्चन आपका सेम था, वैल्यू सब कुछ सेम रखी हुई है, तो आप इतना सा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे कि जो आपका फॉर्मूला है वहाँ पे एस यूज करना था, क्योंकि आपका जो वेल्ड था कौन सा वेल्ड था, आपका फिलेट वेल्ड था। टी का यूज कहाँ पे करते हैं, एफ टी का यूज हमारा किसके अंदर होता है, जो बट वेल्ड होता है उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लेंगे। बाकी वैल्यूज आपका आंसर बिल्कुल सेम था, सही था। ठीक है, वैल्यूज हमने सब सही रखी थी, बस टाइपिंग के कारण वो थोड़ा वहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंगल आई एस ए 65 mm इंटू 65 mm 6 mm इज कनेक्टेड विद ए गसेट प्लेट। में क्या है, हमारी जो एंगल है आई एस ए, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, साइज कितना है 65 mm बाई 65 mm बाई 6 mm, वो क्या है हमारी गसेट प्लेट ऑफ थिकनेस 8 mm, इसके साथ क्या है कनेक्टेड है गसेट प्लेट के साथ जिसकी थिकनेस हमारी 8 mm है। एंगल आप सबको पता है एंगल क्या होते हैं, कुछ इस शेप में आपकी क्या होती है एंगल होती है। उसकी जो लेग है हमारी ये वाली, ये भी कितनी है 65 mm है, और ये वाली लेग भी आपकी 5 mm है। ठीक है, जिसे हमने इसका क्या किया, हमने गसेट प्लेट के साथ इसे यहाँ पे जोड़ दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपकी 8 mm है, इस तरीके से कुछ हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, वेल्ड इज ऑन बोथ साइड ऑफ एंगल, जो वेल्ड हमें करना है एंगल की जो दोनों साइड है, टॉप पे भी आपको यहाँ पे भी करना है, ये आपकी मान लिया एंगल थी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे भी वेल्ड करना है और बॉटम पे भी यहाँ पे आपको वेल्ड करना है, दोनों साइड पे वेल्ड करना है। डिजाइन द वेल्ड फॉर कंप्लीट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डिजाइन किसके लिए करना है, आपकी जितनी प्लेट की स्ट्रेंथ है उसके टोटल स्ट्रेंथ के लिए आपको डिजाइन करना है। इसके अंदर आपको कोई भी लोड की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है कि कितना फोर्स आपका जो मेंबर है उसके ऊपर वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर क्या हो कि फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं हो, तो आप उसे डिजाइन भी हमेशा किसके लिए करते हो, जो हमारी उसकी प्लेट है उसकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है ना, कितना लोड हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं उसको डिजाइन वहाँ पे कर देते हैं। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 108 न्यूटन पर एम स्क्वायर, वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा के अंदर क्या है, एंगल का साइज दिया हुआ है, तो साइज कितना है 65 mm इंटू 65 mm 6 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दी हुई है, गसेट प्लेट की मोटाई हमें दी हुई है यहाँ पे 8 mm है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 है न्यूटन पर एम स्क्वायर, शियर स्ट्रेस भी आपको यहाँ पे गिवन है परमिसिबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो उसमें हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टील टेबल लेंगे। ठीक है, स्टील टेबल के अंदर क्या करेंगे आप आई एस ए 65 इंटू 6 mm वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एंगल ढूंढेंगे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, एंगल सॉरी इक्वल के अंदर यहाँ पे आपको 65 वाली एंगल मिलेगी, तो उसका एरिया वहाँ से उठा लेंगे। ठीक, डायरेक्टली आपको स्टील टेबल के अंदर मिलेगा ये वाला एरिया, तो कहीं से भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टील टेबल से इसको देखना है। ठीक है, क्या करेंगे आप स्टील टेबल खोलेंगे, उसके अंदर आप ढूंढ सर्च करेंगे कि आपका जो वो एंगल लिखी हुई है वहाँ पे, ठीक है, कौन सी एंगल है, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, उसके अंदर जाएंगे आप इक्वल एंगल के अंदर 65 बाई 65 mm। ठीक है, ये सर्च कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिया होगा 6 8 10 mm, उसके आगे लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको 6 वाले के सामने जो एरिया होगा वो आपको वहाँ से ले लेना है। ठीक है, डायरेक्टली लेना है वहाँ पे, एरिया हमारे पास में आ गया यहाँ पे। एक चीज क्या मिलेगी स्टील टेबल से आपको, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंट्रोइड है उसके यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या है, सी एक्स एक्स और सी वाई वाई, इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी स्टील टेबल पे, वहीं उसी के सामने वो लिखी होगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से स्टील टेबल से उठा लेंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर कैसा होगा आपका कि आपकी जो एक एंगल है, ठीक है, ये वाली एंगल जो है आपकी क्या है गसेट प्लेट के साथ कुछ यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये एंगल है, वेल्ड आपको कहाँ करना है, यहाँ पे भी वेल्ड करना है और यहाँ पे भी आपको वेल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे नहीं पता, क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो साइज ऑफ वेल्ड है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नहीं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट उसको नहीं करते, तो साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करते हैं।
जो बेल्ट के लिए हमने फिलेट वेल्ड यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज पड़ी थी, एस मिनिमम और एस मैक्सिमम। एस मिनिमम के लिए आप क्या करते हो, ये वाली जो टेबल थी आप इसको यहाँ पे फॉलो करते हो। ठीक, इस टेबल के अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है ना, कितनी आपकी जो आपकी प्लेट है 8 mm की यहाँ पे यूज हुई है ना, गसेट प्लेट है जो ये आप गसेट प्लेट है वो कितनी है 8 mm की है। ठीक है, तो 8 mm के लिए आपको जो एस मिनिमम है कितना होता है 3 mm होता है। अगर आप क्या कर रहे हो 8 mm की साइज की प्लेट यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो आप मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लोगे वो कितना लोगे 3 mm लेते हैं। ठीक है, तो एस मिनिमम की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 mm। ए की बात कर रहे हैं पहले हम, कि जो आपका ए साइड पे आपने वेल्ड किया यहाँ पे ए साइड के लिए। ठीक है, तो एस मिनिमम आपका 3 mm हो गया। एस मैक्सिमम क्या होगा, शेप देखो यहाँ पे जो आपकी कॉर्नर कैसे बने हुए हैं। जब एस मैक्सिमम निकाला था दो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कॉर्नर कैसे है, फ्लैट हो या राउंडेड हो। तो ये वाला जो कॉर्नर है कैसा है, राउंडेड है यहाँ पे, है ना, आपको तो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कैसा है, ये राउंडेड है। तो राउंडेड के लिए जो आपका फॉर्मूला था क्या था, 3/4 × t, जब राउंडेड होता है एस मैक्सिमम के लिए। अगर फ्लैट जो इस वाली साइड में आपका फ्लैट होगा, तो उसके लिए जो टोटल थिकनेस थी उसमें से 1.5 हम माइनस कर देते थे। ठीक है, तो अभी ए की बात कर रहे हैं जो राउंडेड है, तो एस मैक्सिमम 3/4 × t, t की वैल्यू आपकी 8 mm है। तो आपका जो साइज आया वेल्ड का कितना आया, मैक्सिमम 6 mm आया, मिनिमम आया 3 mm और मैक्सिमम आया 6 mm। मतलब तो आपको जो वेल्ड यूज करना है वो 3 और 6 के बीच से आपको कोई वेल्ड वैल्यू जो है चूज कर लेनी है वेल्ड के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 6 mm का जो वेल्ड है उसको चूज करके यहाँ पे चल रहे लेके ना, 6 mm से हम क्या करेंगे इसके यहाँ पे वेल्ड करेंगे ए साइड पे। अब बी वेल्ड की बात कर लेते हैं, बी साइड की, तो एस मिनिमम आपका 3 mm ही रहेगा, क्योंकि आपने जो टेबल थी यहाँ से देखा ये 3 mm होगा, क्योंकि आपकी प्लेट 8 mm की है यहाँ पे। ठीक है, एस मैक्सिमम के लिए कॉर्नर आपके कैसे हो गए यहाँ पे, कॉर्नर कैसा हो गया बी साइड की, जब हम बात करेंगे फ्लैट हो गया कॉर्नर यहाँ पे, तो फ्लैट के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है 1.5 माइनस कर देते हैं। तो आपकी जो वेल्ड आया बी साइड के लिए आपका आया है 3 mm मिनिमम और मैक्सिमम 6.5 mm, इसके बीच से आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 mm का साइज का वेल्ड लेके चल रहे हैं, किसके लिए हम 6 mm का ही वेल्ड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 आपका कैलकुलेट द थ्रोट थिकनेस। इसमें क्या करेंगे हम, जो वेल्ड है उसकी थ्रोट थिकनेस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टी इक्वल टू के इन टू एस होता है, के की वैल्यू 0.7 होती है, एस की वैल्यू हमारी क्या है 6 है, तो जो थ्रोट थिकनेस कितनी आ गई आपकी 4.2 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपकी जो थ्रोट थिकनेस थी दोनों के लिए साइज ऑफ वेल्ड सेम था, 6 mm था, तो आपकी थ्रोट थिकनेस दोनों के लिए सेम रही, तो हमने एक ही कैलकुलेट की यहाँ पे। अगर आपकी वैल्यू अलग अलग होती, ए साइड के लिए आपका साइज वेल्ड का अलग होता, बी के लिए अलग होता, तो आप दो थ्रोट थिकनेस यहाँ पे कैलकुलेट करते दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन अभी एक ही है तो हमने एक यहाँ पे कैलकुलेट की। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल। अब क्या करेंगे हम, जो एंगल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी लोड यहाँ पे गिवन नहीं था, है ना, इसी के लिए तो आपको डिजाइन करना है कि जितनी प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एफ टी इक्वल टू ए जी इंटू एफ टी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ का, एफ टी इक्वल टू पी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, जहाँ पे हम जो रिविट थी वहाँ पे रिविट वाले अंदर के अंदर हम प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ पे निकाल रहे थे, है ना, सॉलिड प्लेट की। तो फॉर्मूला आपका क्या था, बी इंटू टी इंटू एफ टी था। अब बी इंटू टी क्या है, विड्थ इंटू थिकनेस, जिसे क्या बोल दिया हमने, एरिया बोल दिया। ठीक है, तो इंटू एफ टी, तो फॉर्मूला आपका वहीं से बन गया है। ठीक है, एरिया आपको कहाँ से मिल रहा था, स्टील टेबल से मिल गया था, और कोई भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, स्टील टेबल से आपको एरिया मिल गया था, यहाँ पे 744 था, एफ टी की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है वही है 111.6 kN, मतलब इस फोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन करना है क्वेश्चन को अपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट द फोर्स ऑन वेल्ड इन ए एंड बी। अब जब क्या था, हमारी एंगल के ऊपर हमें फोर्स तो पता चल गया कि कितना फोर्स वहां पे लग रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ए साइड पे कितना है बी साइड पे कितना है। ऐसा तो होगा नहीं आपका कि ए पे भी सेम लगा हो बी पे भी सेम लगा हो, क्योंकि आपकी एंगल है ना। हमें पता है लोड कहाँ पे काम करता है, हमारा सेंट्रोइड पे काम करता है, ये क्या आती है आपकी एंगल थी। ठीक है, इसमें क्या था आपका, आपको पता है कि फोर्स आपका कितना है यहाँ पे, ये फोर्स लगा होगा कहाँ पे होगा, इसका जो सेंट्रोइड होगा। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रोइड होगा वहाँ पे इसका जो फोर्स था वो वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जो उसकी लेंथ थी हमारी एंगल की कितनी थी, 65 mm थी। ठीक है, जब बी पॉइंट था, जब हमने क्या करा एंगल को यहाँ पे पकड़ लिया इसे ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, क्योंकि आपने ए पे वेल्ड किया और बी पे वेल्ड किया, ए से पकड़ लिया उसको बी से पकड़ लिया, और बी से क्या करे इसको यहाँ पे खींचे, दोनों साइड से आपने पकड़ लिया इसको यहाँ से, और यहाँ से क्या करे फोर्स लगा रहे। तो फोर्स क्या होगा आपका, एक फोर्स तो यहाँ लगेगा नीचे, और एक फोर्स कहाँ लगेगा, इसके टॉप पे लगेगा, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पर जो फोर्स लगा
वो क्या कर रहा है, इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, आप इसे खींचोगे तो वो रोकने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो उसे हमने किससे डिनोट किया, एफ बी से डिनोट कर दिया क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर लगा हुआ था। एक फोर्स क्या होगा, एफ ए के ऊपर भी लगेगा, सेम फोर्स होगा जिसकी वैल्यू हमने क्या डिनोट की, एफ ए से डिनोट कर दिया। जो आपका फोर्स था सेंट्रोइड पे काम करेगा, जो आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे निकाली थी, जिसकी वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल चुकी थी, कितनी थी वो वैल्यू आपकी, 18.1 mm थी, ठीक है, ये वैल्यू आपको वहां से मिल गई थी स्टील टेबल से। अब क्या है, देखो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चाहिए होगी, ये वाली वैल्यू 65 में से 18.1 माइनस कर दिया तो 46.9 mm ये आ गई। एफ है जो, एफ से आपकी जो एफ ए की डिस्टेंस है वो 46.9 mm है, और जो एफ बी की डिस्टेंस है वो 18.1 mm है, ठीक है, डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, सिंपल है। अब देखो आपको जो डायग्राम है, इसे अगर हम क्या करें रोटेट कर देंगे, हाँ अगर इस डायग्राम को रोटेट करें तो क्या होगा, देखो एक बार यहाँ पे आपकी एंगल थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ था फोर्स एफ बी, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे आपका फोर्स जो था एफ ए लगा हुआ था, और एक फोर्स यहाँ पे एफ ऐसा लगा था। ये वाली जो डिस्टेंस थी आपकी कितनी थी, 18.1 mm थी। जो टोटल डिस्टेंस थी वो आपकी कितनी थी, यहाँ पे 65 mm थी, ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखें तो हमारा क्या डायग्राम बन रहा है, आपका सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह काम कर रहा है, जैसे आपका सिंपल सपोर्टेड बीम यहाँ पे बने होते थे, है ना। उसके अंदर हम क्या करते थे, अगर आपको एफ ए एफ बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इसका साइन नीचे की तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है, एफ ए एफ बी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल उसी तरह निकालेंगे जैसे वहां पे निकालते थे। कैसे निकालते थे, जो हमारे फोर्स है दोनों को ऐड कर देंगे, एफ ए प्लस एफ बी, मतलब जो रिएक्शन है हमारी इस पर लगी हुई है, दोनों बराबर किसकी होगी, आपकी टोटल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है, टोटल फोर्स के बराबर होगी। तो जो एफ ए और एफ बी की वैल्यू होगी इसके बराबर हो जाएगी, टोटल फोर्स आपका कितना आया था, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी 111.6 kN आई थी, ठीक है। डायग्राम दोबारा बना लेंगे, ठीक है, आपकी यहाँ पे वैल्यू थी। तो एफ ए प्लस एफ बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 111.6 kN। अब क्या करते थे हम, एक किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, या तो आप ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो या आप बी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। मान लिया हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इक्वल टू किसके रख देंगे उसे, जीरो के। ए पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लिया तो ए पॉइंट को आपने फिक्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये बी पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट आपने इसको पकड़ लिया यहाँ पे। अब जो बी फोर्स है वो कैसा लग रहा है आपका, नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी एफ बी इंटू जो आपकी डिस्टेंस थी कितनी, 65.65 mm, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, एफ बी इंटू 65, डायरेक्शन कौन सी बना रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही, प्लस हमने यहाँ पे ले लिया से। नेक्स्ट आपका एफ आया, कौन सी डायरेक्शन बनाएगा, ए से, ए जो पॉइंट है उससे कैसे बनाएगा आपके एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक के लिए फोर्स इंटू जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो आई थी, ठीक है, माइनस कर देंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे, यहाँ से एफ बी और एफ बी की वैल्यू, यहाँ पे हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे तो पहले हमने क्या किया, जो फोर्स थे हमारे उनको क्या किया, उनका एलजेब्रिक सम जीरो के बराबर यहाँ पे रख दिया, वो क्या है आपका, एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू 111.6 kN, ठीक है। आपने क्या किया, बी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो यहाँ पे, बी पॉइंट के अबाउट आपने क्या किया यहाँ पे मोमेंट ले रहे हो, और बराबर किसके रखोगे इसके, जीरो के। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, फोर्स एफ ए लगा यहाँ पे, डायरेक्शन कौन सी बना रहा है, एंटी क्लॉक बना रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉक का हम यहाँ मान लिया प्लस लेके चल रहे हैं, आपने क्या किया यहाँ पे एंटी क्लॉक को प्लस लेके चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, एफ बी इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी एफ ए इंटू जो आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस थी एफ ए से, इतनी डिस्टेंस आपकी 65 mm है, ठीक है, तो 65 की आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो मोमेंट आ गया आपका। अब क्या हुआ, ये वाला फोर्स आपका खत्म हो गया, इसको हटा दिया आपने, नेक्स्ट फोर्स आपका क्या आया, एफ आया, जो क्या बना रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन बना रहा है यहाँ से, ठीक है, तो फोर्स आपका एफ आया जिसकी वैल्यू इतनी है 111.6। डिस्टेंस कितनी होगी बी पॉइंट से इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये तो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 18.1, मल्टीप्लाई कर दी, मोमेंट आ गया बराबर जीरो के, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गई हमारी 31.07 kN, एफ ए की वैल्यू, ठीक है। अब एफ बी की वैल्यू निकाल देंगे, हमें पता ही था एफ ए प्लस एफ बी बराबर कितना था, 111.6 kN था, यहाँ पे एफ ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तब बी की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 80.53 kN।
आपके पास जो फोर्स है वो यहाँ पे आ चुकी है, ए पॉइंट भी फोर्स आ गया, बी पॉइंट भी आपका यहाँ पे फोर्स आ गया। मेन काम आपके क्वेश्चन के अंदर यही था कि आपको जो फोर्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ए पॉइंट के ऊपर भी और बी पॉइंट के ऊपर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड। जो आपको मेन निकालनी थी, इसके अंदर लेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ वेल्ड आपकी ए के लिए अलग होगी, बी के लिए अलग होगी, क्योंकि फोर्स भी आपका अलग अलग आया है। ए के लिए अलग फोर्स आया, बी के लिए अलग फोर्स आया। फॉर्मूला आपका पता ही है, एफ एस इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू टी इंटू एफ एस होता है। ठीक है, एल इफेक्टिव आपको निकालना है यहाँ पे, तो सारा फॉर्मूला इक्वल टू मिले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन टी इंटू एफ एस। तो वेल्ड ए की बात जब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका एल ए से दिखा रहे हैं, मान लिया हम इसे भी, तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम है आपका, एफ ए अपॉन टी इंटू एफ एस। एफ ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 31.07, 10^3 की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी किलो न्यूटन के अंदर थी, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर दी। टी की वैल्यू 4.2 है, एफ एस आपका 108 है। ठीक है, जब कैलकुलेट किया तो हमारी जो वैल्यू आई है एल ए की वो कितनी है, 68 mm इफेक्टिव वाली है ना। लेंथ कौन सी आई है अभी, इफेक्टिव लेंथ आई है वेल्ड की। इसी तरह क्या हम क्या करेंगे, हम इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हमें इफेक्टिव आई थी। टोटल लेंथ के लिए हमें पता है क्या था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इफेक्टिव लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला था हमारा, एल इफेक्टिव क्या था, टोटल एल लेंथ में से माइनस हमने 2s कर दिया था। अभी आपको टोटल निकालनी है यहाँ पे, तो क्या होगा, एल इफेक्टिव प्लस 2s, यही हमने यहाँ पे क्या, एल ए प्लस 2s यहाँ पे कर दिया। तो 68 में हमने एस क्या था, साइज ऑफ वेल्ड था, ऐड कर दिया, तो आपका जो ए साइड पे आप वेल्ड करोगे उसकी लेंथ होगी 80 mm। 80 mm का आप क्या करोगे, वेल्ड ए साइड पे यहाँ पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेल्ड बी की, हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वेल्ड बी जो है कितना होगा, फॉर्मूला सेम है हमारा, एल बी इक्वल टू एफ बी अपॉन टी इंटू एफ एस। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 80.53 हो गया इस बार फोर्स, 10^3 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, थ्रोट थिकनेस सेम है, एफ एस की वैल्यू सेम है, तो आपका जो वेल्ड आया कितना है, 178 mm। ये भी आपका कौन सा है, इफेक्टिव वाला है। टोटल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2s इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आई है 190 mm आई है। ठीक है, तो बी साइड पर आप जो वेल्ड करोगे वो कितनी लेंथ का करोगे, 190 mm का यहाँ पे वेल्ड करोगे। ठीक है, अब लास्ट आपको क्या करना, देखो लेंथ आपने निकाल चुके, क्योंकि डिजाइन के अंदर आपकी लेंथ ही होती है कि किस साइड में आप कितनी लेंथ का आप वेल्ड वहाँ पे करोगे। जैसे आपको पता चला, आप क्या बनाओगे, इसका फाइनल डायग्राम बना दोगे। ये आपका क्या था, डायग्राम था, अब आप क्या करना है आपको, उसका सामने से आप इसे देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस साइड से क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो क्या दिखाई देगा आपको, एक प्लेट दिखाई देगी जिसके ऊपर आपकी ये एंगल यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, क्या करेंगे, ए साइड पर जो वेल्ड था वो उसकी लेंथ कितनी है हमारी, 80 mm है, तो ए साइड पर आपने जो वेल्ड दिखाया 80 mm का यहाँ पे वेल्ड दिखा दिया। बी साइड पर आप कितना वेल्ड दिखाओगे यहाँ पे, 190 mm का, जो आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे आया था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका, लेंथ इसके अंदर आपको यहाँ पे निकालनी थी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या आ सकता है आपका, चेंज क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू गिवन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, 100 kN मान लिया उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। ठीक, तब आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी प्लेट की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो बोल देगा आपकी यहाँ पे दो एंगल लगी हुई है, ये सेम एंगल क्या है, एक इधर भी लगी हुई है। ठीक है, फोर्स बोल देगा कि आपका जो टोटल फोर्स उस पर लगा है आपका, मान लिया 250 kN का टोटल फोर्स उसने बोल दिया वहाँ पे लगा हुआ है एंगल्स के ऊपर। ये क्वेश्चन है, वो लगा कि दो एंगल वहाँ पे लगी हुई है जिसके ऊपर जो फोर्स है 250 kN का वो लग रहा है, तो आपको एक एंगल के लिए कैलकुलेट करना है कितना फोर्स आएगा, 250 / 2 यानी 125 kN। तो आपका जो फोर्स यहाँ पे लगेगा एक एंगल के ऊपर कितना लगेगा, 125 का। तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक एंगल के लिए ही डिजाइन करोगे यहाँ, आप जो लोड लेकर चलोगे कितना चलोगे, 250 नहीं लेकर चलोगे आप, 125 लेकर चलोगे, सेम एंगल होगी है ना। अगर आपकी एंगल क्या है, सेम ही होगी मोस्टली, जो आपके क्वेश्चन होंगे सेम ही एंगल होती है, जो एंगल इस साइड में लगी होगी वही इस साइड में लगी होगी। तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक के लिए डिजाइन कर लोगे, ठीक है, एक ही के लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर दोगे वहाँ पे। फिर क्या करना है, शुरू में ही आपको जो लोड है उसको आप लेके चलना है, ठीक है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, डायग्राम भी बिल्कुल सेम ही बनेगा, क्योंकि जो उसके पीछे वाली एंगल है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी डायग्राम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, प्रोवाइड फ्लिट वेल्ड फॉर गिवन डायग्राम इफ द साइज ऑफ वेल्ड इज 6 mm। फ्लिट वेल्ड का आपको प्रोवाइड कराना है, साइज ऑफ वेल्ड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओवरलैप इज लिमिटेड टू 100 mm, है ना, एक नई लाइन आ गई आपकी, ओवरलैप इज लिमिटेड टू 100 mm, मतलब जो आपको प्लेट्स का ओवरलैप कराना है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो रखनी है उसका जो ओवरलैप है वो लिमिटेड कर दिया इसने कि आप 100 mm का इसमें ओवरलैप यहाँ पे रखोगे, है ना। अभी तक तो क्या था, देखो उसमें जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको ये नहीं बताया था कि जो प्लेट आपकी यहाँ से यहाँ तक की है, जो ओवरलैप है ये आपको कितना कराना है, अपनी मर्जी से आपने कितना भी यहाँ पे करा लिया, लेकिन इसमें क्या आपका यहाँ पे इसने पहले से फिक्स कर दिया कि आपको 100 mm का यहाँ पे प्रोवाइड
कराना है ओवरलैप, उससे ज्यादा आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, देखेंगे बाद में क्या करेंगे इसका हम। नेक्स्ट आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, और साथ ही में आपको डायग्राम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे तो पहले गिवन डेटा लिखेंगे, साइज ऑफ वेल्ड दिया हुआ है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दी हुई है, साइज ऑफ प्लेट आपको दिया हुआ है डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कितना है 100 × 10 mm, इस साइज के क्या करना है आपको प्लेट यहाँ पे यूज करनी है। 100 क्या इसकी विड्थ है, मतलब ये वाली जो डायमेंशन है आपकी ये कितनी है 100 है, 10 इसकी जो है थिकनेस है हमारी प्लेट की। लेंथ ऑफ वेल्ड आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइज ऑफ वेल्ड हमें पता है तो साइज ऑफ वेल्ड वाला स्टेप हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्या करेंगे थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टी इंटू के इंटू एस होता है 0.7 × 6, थ्रोट थिकनेस आपकी आ गई यहाँ पे 4.2 mm। ठीक है, अब क्या करना है आपको कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लोड आपको देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, जब भी आप लेंथ ऑफ वेल्ड निकालोगे आपको यहाँ पे लोड चाहिए होगा जो फोर्स उसके ऊपर लगा होगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट वहाँ पे करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे इसे डिजाइन करोगे, उसी को आप फोर्स मानोगे वहाँ पे। तो फॉर्मूला आपको पता ही था, बी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, बी आपके विड्थ ऑफ प्लेट 100 mm है, 10 आपकी थिकनेस है, 150 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी आपकी। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई 150 kN यहाँ पे, तो आपको 150 kN का क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे लगाना है आपको। नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करते हैं क्या होगा फॉर्मूला, एल इफेक्टिव इक्वल टू एफ अपॉन टी इंटू एफ एस, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था क्या था, एफ एस इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू टी इंटू एफ एस। अब आपको एल इफेक्टिव निकालना है तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा यहाँ पे, एफ के अपॉन में चल जाएगी सारी की सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे। ठीक है, एफ क्या था हमारा फोर्स था यहाँ पे, अब फोर्स क्या है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी हमारी प्लेट की, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता तो आप यहाँ पे फोर्स रख देते डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं है तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके इक्वल टू रखनी पड़ेगी यहाँ पे। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू आपकी एफ की वैल्यू 150 × 10³ kN को न्यूटन में कन्वर्ट किया, 4.2 थ्रोट थिकनेस है, एफ एस की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो जो इफेक्टिव लेंथ आई है आपकी वैल्यू वेल्ड की वो आई है 330 mm। कौन से वाली है ध्यान रखना इफेक्टिव है, लेकिन आप जो वेल्ड दिखाओगे आप कौन सा दिखाते हो टोटल वाला दिखाते हो, है ना टोटल वाला, टोटल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था 2s, इसमें हम ऐड कर देते हैं तो 2s ऐड किया आपकी वैल्यू 342 mm आ गई। ये क्या आपका कि इतना वेल्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है 342 mm का प्लेट के ऊपर। अब डायग्राम की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, देखो ओवरलैप था आपका लिमिटेड कर देता पहले ही, आपको जो ओवरलैप कराना है वो 100 mm से ज्यादा नहीं कराना है ना। अब आप क्या करोगे देखो यहाँ पे आपने 100 mm का वेल्ड तो यहाँ कर दिया, 100 mm आपने यहाँ पे कर दिया, कितना हो गया 200 हो गया। अब क्या हुआ 100 mm का आप यहाँ कर सकते हो क्योंकि इसकी जो विड्थ है 100 mm है, तो कितना हुआ टोटल 300 mm का आपने यहाँ पे वेल्ड कर दिया 300 mm का, लेकिन करना कितना है 342 करना है, 342 करना है ना। अब आपके पास तो लेंथ तो बची नहीं, अब आप वेल्ड कहाँ पे करोगे इसमें, कहाँ पे करेंगे क्या करना पड़ेगा हमें, प्लेट को यहाँ से बीच से काट लेंगे, 100 mm तो आपने ऊपर कर दिया 100 mm नीचे कर दिया, बीच से क्या करेंगे प्लेट को हम यहाँ पे काट देंगे, हैंड से कट इज मेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वेल्ड, प्लेट को बीच में से काट देंगे जिससे कि हमारी क्या हो जो वेल्ड की लेंथ है वो बढ़ जाए। कैसे काटेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, ठीक है लेंथ कितनी होगी इसकी जो वेल्ड कट हम यहाँ पे बनाएंगे, देखो टोटल आपने क्या था 342 का टोटल प्रोवाइड करना था, 300 आपने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, 342 में 300 हो चुका आपका। ठीक है, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको जो कट बनाना है उसकी लेंथ आपकी 21 mm आपके यहाँ पे रखनी है। कैसे कट बनाएंगे डायग्राम के अंदर देखेंगे ध्यान से, आपको ये वाला कट यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा जो इसकी लेंथ आपकी कितनी है 21 mm है जो कट आपने यहाँ पे बनाया, वेल्ड करेंगे इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, और ये हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया। अब देखो लेंथ मेजर कर लेंगे कितनी होगी आपकी, 100 तो ये होगी, ये होगी 100 200 होगी। ठीक है, ये आपकी कितनी होगी 300, क्योंकि ये वाला जो था अगर आप इसे यहाँ पे करते तब भी तो इसमें इंक्लूड हो जाता है, अभी भी इंक्लूड है, 300 mm तो आपकी यहाँ से हो चुकी है ना, प्लस 21 प्लस 21 यानी 42, 300 में 42 mm ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 342 mm हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर कट यहाँ पे बना सकते हो अगर आपको जो ओवरलैप है वो लिमिटेड यहाँ पे कर दिया गया है ना, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे लिमिटेड कर दी कि इससे ज़्यादा ओवरलैप कराना ही है नहीं है तो आपको प्लेट यहाँ पे कट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो अगर हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारा जो चैनल है सेलिब्रिटीज को
सब्सक्राइब कर ले। हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, नेक्स्ट हम जो कंप्रेशन मेंबर था वो स्टार्ट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।